नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल्स पे वी एस एजुकेशंस हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस, टॉप लेवल के 5 क्वेश्चंस मिसिंग नंबर सीरीज के लाया हूँ, राइट। एग्जाम्स के रिगार्डिंग, जिनका एग्जाम्स है SBI PO प्री का, राइट, उसके रिगार्डिंग्स आपके लिए 5 क्वेश्चंस लाए हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। प्लीज़, जिनका भी एग्ज़ाम्स है, जो भी तैयारी कर रहा है, प्लीज़ इस पर्टिकुलर वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, राइट। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, गारंटी से कह सकता हूँ। इस पैटर्न से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, ओके। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड उससे पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं डेली बेसिस पे मैथ के जो लास्ट ईयर का पेपर्स था वो मैंने क्वेश्चंस अपलोड किए हैं, चाहे TI हो, चाहे आपके कैसलेट TI हो, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस हो, या आपकी मिसिंग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस पूछे गए थे। सब कुछ मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाए हैं। आप उन पर्टिकुलर वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो। बहुत अच्छे वीडियो हैं, 100% आपको समझ में भी आएंगे, ओके। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा, ओके। अच्छा लगे लगे कि आपने कुछ सीखा है, राइट, मेरी मेहनत अच्छी लगे तो लाइक बटन पर भी प्रेस कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ऑल ओवर स्टूडेंट तक भी पहुंच पाए, ओके। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो, ओके। आइए चलते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने हैं, मैंने बहुत अच्छे से क्वेश्चंस बनाए हैं, बहुत अच्छे पैटर्न हैं। श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, एग्जाम्स में आपको इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, ओके। और पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको 1 to 30 तक टेबल, राइट, 1 to 30 तक टेबल्स आपको अच्छे से याद है, राइट, एंड देन सेकेंड चीज, आपको 1 to 50 तक स्क्वायर, राइट, एंड थर्ड चीज है आपकी 1 to 20 तक क्यूब, राइट। ये 3 चीज़ें आपको बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए, अगर आप मैथ के में कट ऑफ क्लियर करना चाहते हैं या अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो ये प्री में ये 3 चीज़ें पे ही डिपेंड रहता है सारा का सारा पेपर्स। अगर आपको अच्छे से इन सारी चीज़ों को याद है, बिल्कुल कंठस्थ, यानी कि कभी भी कहीं पे भी पूछ ले, आपको तुरंत दिमाग में आनी चाहिए, राइट, तभी आप एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स भी लाओगे, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर याद नहीं है तो प्लीज़ रट्टा मार लीजिए, या प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे ना तो भी आपको याद हो जाएगा, बट ये चीज़ें आप डेफिनेटली याद कर लीजिएगा। 1 to 50 तक स्क्वायर, 1 to 20 तक क्यूब, एंड 1 to 30 तक टेबल, राइट, ये 3 चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगी, ओके। यही क्वेश्चंस इसी पे डिपेंड है, अगर आपको ये 3 चीज़ें अच्छे से याद हैं, क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही है। पहला क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस है कितना भी ब्लेंथी हो, कितना भी बड़ा हो, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़िया होनी चाहिए, राइट। कितना अच्छे से आप ऑब्जर्व कर पाते हैं, कितना अच्छे से सीरीज को, एक तरह से कह सकते हैं कि हाँ, किस टाइप से सीरीज चाल है, मल्टीप्लिकेशन से या फिर स्क्वायर बेस है या सम है, राइट, यानी कि सम करना जोड़ने के बेसिस पे है, डिफरेंस बेस पर है। ये चीज़ें आपको अच्छे से अगर आ गई तो सीरीज का कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली कर पाएंगे, राइट। अब इस क्वेश्चन में देखिए, 18 के बाद 48, 48 के बाद 184, 184 के बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चंस मार्क है, यहाँ पर अप्रोक्स 5400 है, यहाँ पर 38,000 है करीबन करीबन। तो सीरीज में एक तरह से सीक्वेंस देखें तो क्लियरली विजिबल है कि सीरीज का इंक्रीमेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है, राइट। तो अपन डेफिनेटली यहाँ पर अगर आपको पता चल गया है कि सीरीज में मल्टीप्लिकेशन पैटर्न लगेगा, राइट, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब मल्टीप्लिकेशन क्या लगेगा देखिएगा,
यहाँ पर 48 है, यहाँ पर 184 है, राइट। तो 48 का डबल्स होता है 96, 96 का डबल होता है आपके 192, तो इट मीन्स अपन कह सकते हैं कि आपका 4 टाइम्स है, राइट। अगर 50 माने इसको, 200 माने, तो अप्रोक्स आपका 4 टाइम्स हो सकता था, राइट। तो ये आपका 4 टाइम्स है, क्लियरली विजिबल्स। यहाँ पर नहीं लगा सकते, यहाँ भी नहीं लगा सकते, राइट। यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं, राइट। 54 से आपके 38 122 हो रहा है। यहाँ पर भी देख लीजिए, 18 आपके 48 है, तो अप्रोक्स आपकी 3 टाइम्स है, राइट। ये आपका 3 टाइम्स है, ये आपका 4 टाइम्स है, तो डेफिनेटली ये आपका 5 टाइम्स होगा, ये आपका 6 टाइम्स होगा, ये आपका 7 टाइम्स होगा, राइट। 7 टाइम्स होगा। अब ऐड क्या क्या करना है, ये चीजें अपने को देखनी है, राइट। देखिए, 18 से 3 टाइम्स करेंगे तो 54 आएगा, माइनस का अपने को करना पड़ेगा, दैट मीन 6 का, राइट। 48 इंटू 4 करेंगे तो 196 आएगा, राइट। 192 आएगा, देन फिर अपने को 8 लेस करना पड़ेगा, तो अपने पास 184 आ सकता है। देन वैसे ही यहाँ पर अपने को अटेम्प्ट माइनस का 6, माइनस का 8, माइनस का 10 होगा, माइनस का 12 होगा, माइनस का आपकी दैट इज द 14 होगा, राइट। 14 होगा, तो देख लीजिए, 7 8 56 होता है, 56 में से पीछे 6 डिजिट, 6 में से माइनस का 4 करेंगे तो डेफिनेटली 2 आपके सही आ रहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल यह चीज सही है, इट मीन्स पैटर्न भी आपका बिल्कुल सही। इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन करना एक तरह से मूर्खता ही होगी, टाइम वेस्ट ही होगा, ओके। तो इंटू 5 करेंगे और माइनस का 10 करेंगे। देखिए, इंटू 5 से मल्टीप्लिकेशन करना होना सबसे अच्छा तरीका है। 10 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, तो 18 का हाफ होता है 1800, का हाफ होता है 900, 40 का हाफ होता है 20, तो 920 माइनस का अपने को 10 करना है, आंसर्स विल बी कम दैट इज द 910, 910, 910 नॉट एट ऑल, 910 यानी कि 910 आपका करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ओके। 910 इट मीन्स 11, यहाँ पर आप 910 कर लीजिए, हो सकता है कोई टाइपिंग एरर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। 910 कर लीजिए, आंसर आपका 910 होगा, ओके। यानी कि 910 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर हुआ, समझ में आया यहाँ पर? नहीं समझ में आया दोबारा पूछ लीजिएगा। पैटर्न आपको कैसा लगा यह भी आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसी टाइप से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, लेंथी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आपकी मल्टीप्लिकेशंस, ऑब्जर्वेशंस, स्किल्स बढ़िया है तो ही आप अटेम्प्ट कर पाओगे। नंबर सीरीज में एक बात का विशेष तौर पर ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चंस लगते ईजी हैं कि हाँ मेरे से सॉल्व हो जाएंगे, बट ध्यान रखिएगा टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट करता है। क्वेश्चंस एक लाइन का है बट कैलकुलेशंस करने में आपका टाइम जा सकता है, इसलिए उसी क्वेश्चंस में हाथ डालिएगा जो आपको लगता हो कि मैं डेफिनेटली इसका आंसर निकाल दूंगा और मैं टाइम भी सेव कर पाऊंगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, सेकंड नंबर 12 से 36 हो रहा है, 10 क्वेश्चंस मार गए, 788 है, 932 है, 1032 है, राइट। तो ये आपकी पूरी की पूरी सीरीज। अब इस सीरीज में क्या लगता है आपको, देखिएगा 12 से 336 हो रहा है, यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन मार्क दे चुका है, यहाँ से अपन पता नहीं लगा सकते किस बेसिस पे है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपन पता लगा सकते हैं कि कितना इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर भी पता लगा सकते हैं कितना इंक्रीज हुआ है, क्योंकि ज्यादा नियरेस्ट संख्याएं हैं, ओके। तो यहाँ पर गैप है, दैट इज द 100 का डिफरेंस आ सकता है, डिफरेंस ही जाएगा, 100 का गैप यहाँ पर है। यहाँ पर 788 है, यहाँ पर 932 है, तो इट मीन 788 में आप 100 ऐड करेंगे तो 888 होगा, 888 होगा, 32 प्लस आपका 12 बचा, तो दैट मीन्स 144 हो गया,
तो 100 + 44 यानी कि 144 का डिफरेंस यहाँ पर अपने को नहीं पता, यहाँ पर भी नहीं पता, यहाँ पर निकाल सकते हैं, दैट मीन्स 324। ये चीज़ दिखते ही आपको तुरंत याद होना चाहिए, इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग्स में कहा था स्क्वायर, क्यूब, टेबल्स, आपको ये तीनों चीज़ कंठस्थ होनी चाहिए। अब तुरंत मालूम होना चाहिए 324 आपका 18 का स्क्वायर होता है, 144 आपका 12 का स्क्वायर होता है, 100 आपका 10 का स्क्वायर होता है। ये आपका 18 है, ये आपका 10 है, यहाँ आपका 12 है, तो यहाँ पर आपका होगा 14 का स्क्वायर, यहाँ पर आपका होगा 16 का स्क्वायर, राइट। 16 का स्क्वायर होता है 256, 14 का स्क्वायर होता है, ये चीज़ें आपको याद में रखनी है, तभी आप एग्जाम्स में अच्छे से कर पाओगे। ये मेरे को याद थी तो मैंने क्लियरली लिख दी, राइट। 196, तो 256 यहाँ पर, तो 256 का डिफरेंस है, तो 256 ऐड कर दीजिए या 196 इसमें से लेस कर दीजिए, दोनों में से जो आपको उचित लगे वो कर सकते हैं। 196 क्लियरली होगा क्योंकि थोड़ा टाइम भी कम सेव कम जाएगा अपना, वेस्ट कम होगा। 200 लेस कीजिए तो दैट इज द 588, तो 4 ऐड कर दीजिए तो दैट मीन्स 592, आंसर्स विल बिकम दैट इज द 492, ए ऑप्शन, राइट। ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, 592 इज द करेक्ट आंसर। यह पैटर्न भी आपको देखने को मिल सकता है, राइट। क्लर्क प्री होना तो ये आपको यही देता है ओनली फॉर स्क्वायर, बट पीओ प्री है तो डेफिनेटली ये दो पैटर्न में आपको देगा ही देगा, दो स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व करने का देगा ही देगा। ओके, समझ में आता जा रहा है तो प्लीज थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक करते चलिएगा। नेक्स्ट देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी। यह भी मैंने कहा था स्क्वायर और क्यूब बेसिस पे क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिए, तब तो मैं पानी पी लेता हूँ। देखिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा। 13, 26, 17, 13, 21, 72 एंड देन यहाँ की आपकी 2700 करीबन 3330 है, एंड देन यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है, तो सीरीज में अपने को डेफिनेटली पता चल रहा है कि सीरीज आपकी किसकी बेसिस पे है, राइट। 1326 है, इतनी इतनी बड़ी संख्याएं होना तो हमेशा ध्यान रखिएगा, या तो आपका स्क्वायर बेस पर नियरेस्ट होगा या आपकी क्यूब बेस पर नियरेस्ट होगा, राइट। 1326 माय डियर स्टूडेंट्स नियरेस्ट है आपका 11 का क्यूब, राइट। 11 का क्यूब होता है माय डियर स्टूडेंट्स 1331, राइट। 1331 इसको कह सकते हैं, तो यह 11 का क्यूब माइनस का 5 है, राइट। सीरीज में जाइएगा, सीरीज के पैटर्न पे जाइएगा, आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर कर दीजिएगा। 1713 ये आपका 12 के नियरेस्ट क्यूब, राइट। 12 का क्यूब होता है 1728, उससे ये कितना कम है, दैट इज द 15 कम है, तो 15 इसमें से लेस कर दीजिए, राइट। एंड देन ये आपका 12 का ही, ये आपका 13 का क्यूब होगा, 13 का यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 15 है, तो नेक्स्ट टर्म्स आपका 10 का डिफरेंस, दैट मीन्स 25 होगा, यहाँ पर 14 का क्यूब माइनस का 35 होगा, ये आपका 15 का क्यूब माइनस का 45 होगा, यहाँ पर माइनस का 55 होगा, 16 का क्यूब, ओके। अब देखिए, यहाँ पर अपन ने कर लिया था ये चीज़, एक और चीज़ बता देता हूँ, 13 का क्यूब होता है माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए 13 का 12 का क्यूब हो गया आपकी 17, राइट।
ट्वेल्व का क्यूब हो गया आपके 1738, राइट, 12 का क्यूब हो गया। 21st यानी कि 13 का क्यूब हो गया आपकी 21st 97, राइट। माइनस का 25 करेंगे, डेफिनेटली गिवन है, दैट मीन्स 21st 72। 14 का क्यूब होता है, 27 44, इसमें से 35 लेस करेंगे तो अपने पास डेफिनेटली 2709 आ सकता है। ओके, 15 का स्क्वायर आप सभी को मालूम है 1375, उसमें से 45 लेस किया तो दैट इज द 1313। 16 का क्यूब होता है, दैट इज द 4096। ये याद रखिएगा, एग्जाम्स में बहुत बार देखने को मिलती है संख्या 4096, राइट। ये 16 का क्यूब रहता है, राइट। माइनस का 55 करेंगे अपन तो अपने पास आंसर्स आ जाएगा, दैट मीन्स 4041। बी ऑप्शंस आपका करेक्ट आंसर होगा। पैटर्न बताइए कैसा लगा आपको, अगर लगा कि हाँ पैटर्न था, कुछ समझ में आपको आया है, क्यूब बेस पर, स्क्वायर बेस पर एग्जाम से पहले बहुत अच्छे से रट लीजिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी, मैं बार बार कह रहा हूँ सभी से, राइट। चाहे आप सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करेंगे, चाहे आप डी आई सॉल्व करेंगे, चाहे आप नंबर सीरीज, चाहे मिसिंग हो, चाहे रॉन्ग नंबर सीरीज हो, राइट, सब में आपकी बहुत काम आएगी। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। 11 है, देन क्वेश्चन मार्क, देन 494 से 2482, 1999 और 44 है, एंड फिर आपकी लगभग 30,000 अप्रोक्स है। तो यह भी सीरीज डेफिनेटली आपकी मल्टीप्लिकेशन सीरीज जा रही है। यहाँ से सीरीज का पता लग जाता है कि क्या है, इसको 500 माने, इसको 25 माने, तो दैट मीन्स 5 टाइम्स है, राइट। ये आपका 5 टाइम्स, इसको 2500 माने, इसको 10,000 माने, तो ये आपका डेफिनेटली 4 टाइम्स है। ये 5 टाइम्स है, ये 4 टाइम्स है, तो ये आपका डेफिनेटली 3 टाइम्स होगा। क्लियरली विजिबल से 10,000 माने तो इंटू 3 करेंगे तो 30,000 अप्रोक्स आपका यहाँ भी है। ओके, अब यहाँ पर प्लस माइनस क्या मैटर कर रहा है, ये चीज़ अपन देख लेते हैं। ओके, 494 है, कैलकुलेशंस कैसे करनी है, 5 से, इसको मानिए 500। देखिए रैंडमली भी हो सकता है, बट मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्स में आपको लिखना नहीं है, रैंडमली करना है। माइनस का 6 होगा, इसको आपको मल्टीप्लिकेशंस करना है 5 से, क्लियरली हो सकता है। 2500 माइनस का 35, 6 या 30, तो क्लियरली होगा आपकी 2470 प्लस का अपने को 12 करना पड़ेगा, तो अपने पास 2482 आ सकता है। समझ में आया कैसे कैलकुलेशंस की है, एग्जाम्स में आपको तुरंत करना है। 494 है तो 500 माइनस 6, 5 × 5 दैट इज द 2500, माइनस का 6 है तो 5 × 6 इज इक्वल टू 30, तो 2470 आपका, प्लस का 12 करेंगे तो 2482 आ सकता है। नेक्स्ट 2482 है, यहाँ पर प्लस का 12 है, यहाँ पर कितना आएगा तो सीरीज अपने आप पता चल जाएगा। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर आपका 6 होगा, यहाँ पर आपका 7 होगा। ओके, अब अपने को ऐड का देखना कितना कितना ऐड हो रहा है। 4 × 2 = 8 है, 4 लाना है तो अपन 4 लाएंगे तो इसमें कितना ऐड करें ताकि अपने पास 4 आ जाए, तो 6 ऐड करना पड़ सकता है। 8 प्लस 6 आपका 14 है, तो पीछे 4 है तो डेफिनेटली यहाँ पर 16 आएगा ही आएगा। क्लियरली विजिबल है, राइट। यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है पूरी कैलकुलेशंस करके, राइट। और अगर आपको करना ही है, आपको ज़्यादा लगता है कि मेरा टाइम बहुत ज़्यादा पड़ा है, तो कर सकते हैं। कैसे करना है, इसको मानिए 2500 माइनस का 18, राइट, और मल्टीप्लिकेशंस कर दीजिए 4 से। 25 × 4 10,000, 18 × 4 = 72, राइट, तो आपकी बचा 9928, प्लस का करना पड़ेगा 16, तो अपने पास आ सकता है 44, राइट। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स,
दो चीज़ें मैच हैं, प्लस का 16 है, यहाँ पर आपका 18 होगा, यहाँ पर आपका 10 होगा, यहाँ पर आपका 8 होगा, राइट। 11 इंटू 7 इज इक्वल टू 77, राइट। 12 यहाँ पर आपका 16, 28 प्लस 16 इज इक्वल टू 1944, राइट, 1944, क्लियर। यहाँ पर आपका 6 है, यहाँ पर आपका इंटू का 6 है, यहाँ पर सॉरी 6 है, तो यहाँ पर आपका 7, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, राइट, 8, 11 7 जा 77, 77 में 8 ऐड करेंगे, राइट, तो अपने पास 85 आएगा, राइट, 85 आएगा, राइट, 85 आएगा, तो 81 सेकेंड। यहाँ पर 5 इंटू 12 है, यहाँ पर 16 है, ओके सॉरी सॉरी, यहाँ पर 20 होगा क्योंकि 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर 8 होगा, राइट, यहाँ पर आपका, यहाँ पर आपका 4 होगा, सॉरी 4 होगा, तो 11 इंटू 7 इज इक्वल टू 77 प्लस का 4 किया 81 आपके आ, राइट। बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। दोबारा बता देता हूँ पैटर्न क्या था, पैटर्न था पर्टिकुलर इनटू का आपकी पीछे से संख्याएं चल रही थी, राइट, 1 2 3 4 5 6 7, और आपको ऐड करना था उसमें 4 के डिफरेंस बेसिस पे, 4 + 8 + 12 + 16 + 20, राइट, ये डिफरेंस था पूरा का पूरा पैटर्न, बहुत ही अच्छा पैटर्न था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आपको आया होगा, तो प्लीज़ एक बार थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ओके। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिएगा घर पे, प्रैक्टिस कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, राइट। मैंने बहुत सारे पैटर्न करवाए हैं, यह भी एक डिफरेंट पैटर्न है और इजी पैटर्न है, इतना ज़्यादा मॉडर्न पैटर्न नहीं है, राइट। अब आपको पैटर्न कैसे लगे, क्वेश्चंस कैसे लगे, और भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाऊंगा अच्छे से प्रैक्टिस के लिए, एग्जाम से पहले आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिस करवा दूंगा, क्वेश्चंस जो आपको देखने को मिल सकते हैं वही क्वेश्चंस करवाऊंगा, ओके। अच्छा लगा तो एक बार लाइक बटन पर प्रेस कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा चैनल्स को, ओके, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होगा ना आपको तुरंत मिल जाएगा, ओके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस, इफ आई एंजॉय द सेशंस तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स, ओके, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल्स, ओके। मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपने परिवार का भी जरूर ध्यान रखिए, और प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहिए, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतने ही ज़्यादा मार्क्स आपकी आएंगे, ओके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।